हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर टॉपिक अवर टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी एंड फैमिली प्लानिंग फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है डेमोक्रेसी साइकिल के बारे में पढ़ चुके थे अब हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग क्या होती है फैमिली प्लानिंग द कंसिक्यूस एफर्ट ऑफ कपल टू रेगुलेट द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ बर्ड्स थ्रू आर्टिफिशियली एंड नेचुरल मैथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेन फैमिली प्लानिंग कोनोट्स कंट्रोल टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स एफर्ट्स ऑफ कपल्स टू इंड्यूस प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग हमारी वो होती है कि फैमिली प्लानिंग इसका हिंदी है परिवार नियोजन <coughs> जैसे कि अभी हमारे इस लाइफ में क्या होता है कि जैसे न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो अनवांटेड बर्थ या आप कह सकते हैं कि बिना फैमिली प्लानिंग किए हुए बेबी को कंज्यूम कर लेते हैं ठीक इससे कि क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद फिर उनको ये फील होता है कि हमें ये बेबी को नहीं करना चाहिए था तो कुछ माइंड्स में ये होता है कि हमें इसको अवॉर्ड करा देना चाहिए बट ये सारी चीज़ें गलत होती हैं इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग बनाया है फैमिली प्लानिंग के थ्रू हम अपना बेबी प्लान कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द डब्ल्यू एच ओ नाइनटीन सेवेंटी वन डिफाइंड फैमिली प्लानिंग वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडोप्ट वॉल्ट्री अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाई इंडिविजुअल एंड कपल्स इन ऑर्डर टू प्रोमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप एंड दिस कंट्रीब्यूट एफेक्टिवली टू दोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हमें क्या करना चाहिए परिवार समूह के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने तथा इस प्रकार किसी देश के सामाजिक विकास कर के प्रभावी योगदान देने के लिए व्यक्तियों तथा युगलों द्वारा ध्यान ज्ञान व उसकी जिम्मेदारी आधार पे अपनाई गई है सोच और उसके जीवन जीने का एक तरीका है इसलिए हमें फैमिली प्लानिंग फ्रेशली माइंड मेकअप करके अच्छी सोच के साथ फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए फैमिली प्लानिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स और कपल्स टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इसमें टू अवॉइड अनवांटेड बर्ड्स, अनचाहे गर्भ से बचना सेकेंड इसमें टू ब्रिंग अबाउट अनवांटेड बर्थ इच्छित इसका मतलब है इच्छित जन्म को पूरा करना थर्ड आ था टू रेगुलेट द इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसी प्रत्येक बच्चे के बीच में प्रत्येक प्रेगनेंसी के बीच में एक इंटरवल होना चाहिए कुछ दिनों कुछ समय का गैप होना चाहिए टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ बर्थ सोर्स बर्थ सोर्स अकर्स इन रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट्स माता पिता की उम्र के संबंध में होने वाले समय के नियंत्रित करना टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली यह डिटरमाइन करना कि एक परिवार में बच्चों की संख्या कितनी निर्धारित है नेक्स्ट आता हमारा स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग टू प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ सेकेंड आता हमारा एडवाइस ऑन स्टेलिटी थर्ड आता है हमारा एजुकेशन फॉर पेरेंट हुड पेरेंट्स को एजुकेशन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है स्क्रीनिंग फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ आर एच जेनेटिक काउंसलिंग होती है ये सारे गवर्नमेंट्स ने स्कोप निकाले फैमिली प्लानिंग के लिए प्री मैट्रिकल कंसल्टेसन एंड एग्जामेशन कंसल्टेशन और एग्जामेशंस भी प्रोवाइड है कैरिंग आउट प्रेगनेंसी टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट भी अवेलेबल है मैरिज काउंसलिंग मैरिज काउंसलिंग भी कराता है हमारा गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग ऑफ कपल फॉर द अराइवल ऑफ़ देअर फर्स्ट चाइल्ड प्रिपरेशन ऑफ कपल ऑफ द अराविंग ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड के बीच में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रोवाइडिंग सर्विस टू अन मैरिड मदर्स टीचिंग होम इकनॉमिक एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग एबजॉप अबॉर्शन सर्विसेस बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग में क्या होता है डिक्रीज द नंबर ऑफ टीन एज प्रेगनेंसीज सेकेंड आता है डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर थर्ड आता है डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हमारी फैमिली प्लानिंग से क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं टीन एज प्रेगनेंसीज कम हो रही हैं डिक्रीज हो रही है सर्वाइकल कैंसरस कम हो रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिस यूज करने से डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिटर डिसीज सेक्शुअल ट्रांसमिटर डिसीज से जो भी हमारे डिसीजेस हो रही हैं वो कम हो रही हैं बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग डिक्रीज द फिजिकल एंड मेंटल एक्साशन रिजल्टिंग फ्रॉम लार्ज फैमिली एंड पोअरली टाइम प्रेगनेंसी क्या डिक्रीज हो रही है हमारी फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन रिजल्टिंग फ्रॉम लार्ज फैमिली एंड एंड पोअरली टाइम प्रेगनेंसी सेकेंड है हमारा वुमेन वुड हैव मोर टाइम फॉर एजुकेशन वोकेशनल डेवलपमेंट इनकम प्रोडक्शन रिक्रीशन एंड केयर ऑफ़ एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन हमें बच्चे प्लान करने से पहले हमें वूमन्स को बहुत सारा टाइम मिलता है उसको एजुकेशन करने के लिए पूरा डेवलपमेंट के लिए अपना पूरा माइंड मेकअप करने के लिए थर्ड आता थार सेव मिलियंस ऑफ इन्फेंट्स लाइव पर ईयर बाई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हाई रिस्क बर्थ फोर्थ ऑज हमारा लीड टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इन फेंट्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फैमिली प्लानिंग मैथड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज मैरिड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज यूजिंग फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग के लिए वुमेंस क्या क्या यूज़ कर दे कर सकती हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते कितने परसेंट गोंडम्स यूज हो रहे हैं कितनी पिल्स यूज हो आईओ डी कितना हो 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 रहा आयोडी कितना यूज हो रहा है, है, कितना कितने रहे कोई भी मेथड तो नहीं यूज हो रहा है कितने कितने पूरा ग्राफ इसमें दिया हुआ है फर्स्ट मेथड आता है हमारा कॉन्ट्रोसेप्टिक मेथड कॉन्ट्रोसेप्टिक मेथड हमारा गर्भ निरोधक मेथड जिसे हम गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं कॉन्ट्रोसेप्टिक मेथड आर प्रिवेंटिव मैथड टू हेल्प वूमन अवॉर्ड अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग टेपरेरी एंड प्रेगनेंसी मेजर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी coitus. कई वैज्ञानिक जांच और विश्वनीय गर्भ निरोधक तरीका उपलब्ध है जैसे कि हमारी कुछ हमारे कुछ केमिकल्स हमारे टैबलेट्स ये सारी चीज़ें हमारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं कॉन्टासेप्ट मैथड कॉन्टासेप्टिक मेथड्स में फर्स्ट मैथड आता हमारा Spacing method. Spacing method है हमारा स्पेसिंग मैथड स्पेसिंग मैथड एंड सेकेंड आता है हमारा टर्मिनल मैथड्स फर्स्ट हमारा स्पेसिंग मैथड्स में वो बैरियर्स मैथड्स आते हैं उसमें फिजिकल केमिकल कंपाइंड ये सारे मैथड्स इसके अंदर हैं इंट्राट सेकेंड आता है हमारा इंट्राट्रेन डिवाइस थर्ड आता है हमारा हॉर्मोनल मैथड फोर्थ हमारा आता है पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, फिफ्थ आता है हमारा मिसलिनियस फिजिकल केमिकल कंबाइंड सेकेंड आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस थर्ड आता है हारमोनल मैथड हारमोनल मैथड्स में हम कुछ हार्मोन्स की मेडिसिन आती हैं ठीक है फोर्थ आता, आता है हमारा पोस्ट कंसेप्शनल मैथड सेकेंड आता है टर्मिनल मैथड मेल स्टरलाइजेशन